अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू एफएसए एंटरटेनमेंट। मैं हमारी बिल्डिंग के नीचे हूँ एंड दिस टेंट दैट यू सी, 15 दिन 16 दिन पहले ही हमारी बिल्डिंग में टेंट लग गया है। और हमारे बकरे आ गए हैं, हमारे 3 बकरे हैं, शवाई गोट फार्म से जुली एक मम्मू का है, फारूक के बकरे हैं और सामने जो है शफीक भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फाद भाई, फ्रॉम आईएस एग्रो गोट फीड। जी फाद भाई, आईएस एग्रो एनएमएस एग्रो दोनों भाई भाई का है। ठीक है, क्योंकि ये रहते हमारे बिल्डिंग के बगल में ही है जी फाद और इनकी शॉप भी पड़ोस में ही है। हाँ, एक जोगेश्वरी में है और एक कुर्ला में लोकेटेड है। ठीक है जी। तो हम जनरली जोगेश्वरी वाले इन्हीं से ऑर्डर करते हैं जी जी, और ऑल इंडिया वाले इन्हीं से करते हैं ऑलमोस्ट। जैसे कोई बल्क में काम करता है ना फाद भाई, तो मैं बोलूंगा ऑल ओवर इंडिया में 70-75% हम लोग माल भेजते हैं नागौर से। अच्छा, ये अभी ये जोगेश्वरी में जो इंडिविजुअल रिटेल के लिए लोग आते हैं जी फाद भाई, तो उनको क्या प्राइस बहुत स्टीप प्राइस में मिलता है हरी पत्ती वरी पत्ती के? नहीं फाद भाई, कैसा ना हम लोग साल भर में जो रेट रहता है ना वो रेट अभी भी चलेगा, बट डिपेंड कैसा होता है ना कि अभी मोस्टली जो कस्टमर आएगा जैसे 1 किलो आधा किलो 2 किलो वैसे आएगा, तो वो सबसे जो रिटेल रेट रहेगा वही रेट जाएगा। ओके जी, क्या कहना है ये टेंट का, इतनी जल्दी तैयारी जोगेश्वरी में जल्दी आती नहीं है बिल्डिंग में बकरे 7-8? नहीं फाद भाई, एक्चुअली कैसा ना ये टेंट और भी जगह लगे रहेगा, बट जोगेश्वरी में शौकीन लोग काफी ज्यादा है। ज्यादा मतलब देखो ना, मंडी जो पहले लगती थी वो सबसे जो आज क्वांटिटी लग रही है बकरों की बहुत ही ज्यादा लग रही है, तो हर जगह टेंट बन रहे हैं। धीरे-धीरे मेरे दोस्त है उनके बिल्डिंग में भी टेंट धीरे-धीरे बनेगा, आज या कल में रेडी हो जाएगा। और ये तो कुछ जल्दी बन गया ना। हाँ, ये तो मेरे ख्याल से शायद से इसको 2 या 3 ज्यादा हो गए लग के, मतलब दो दिन पहले कल एक्चुअली लग गया था। हाँ हाँ, और बकरे जो है वो 3 दिन पहले आ गए थे। अब लोग किसी के आते भी रहे, आज भी रहे, कल भी आने वाले रहे। राइट 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 जी। बकरे कैसे लगे हमारे बकरे? माशाल्लाह फाद, अगर हो सके तो 1-2 बकरे है जो पलटी करा दो तो नेक्स्ट। नहीं नहीं माशाल्लाह, बड़े बड़े, एक्चुअली कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा है, एक तो बकरा बैठा हुआ है, सब बड़े बड़े बकरे 120-125 किलो के, बट पोटेंशियल और भी है फादर, मतलब 140-145 एक साल तक, मतलब पॉसिबिलिटीज है कुर्बानी के लिए है। वो बकरा बहुत बड़ा है, वो एक्चुअली बाहर जब निकलेगा ना तुम देखना बहुत बड़ा बकरा है ये वाला। हाँ, वो ब्राउन वाला बहुत बड़ा बकरा है, उसकी सेपरेट वीडियो बनाएंगे फीड के लिए। मतलब इनको पलटी करना भी बहुत बड़ा टास्क है फाद भाई, क्योंकि कुछ भी हो सकता और है। तीनों बकरे जो है शवाई से लिए, मैं तो हाईली रेकमेंड करूंगा, उन्होंने अभी और 150 बकरे की पलाई खोली है, सो मैं खसी बकरों के लिए स्पेशली रेकमेंड करूंगा शवाई गोट फार्म। उनका रिजल्ट फाद भाई बहुत पहले से, हम लोग 7 साल से उनका बकरा, मुझे एक आज तक दिमाग में चल रहा गुलाब जामुन, गुलाब जामुन और काफी अच्छे व्यूज गए उसको। 7 साल से हम लोग रेगुलरली शवाई गोट फार्म से बकरे ले रहे हैं, उनकी रेट भी अच्छी रहती है, वो रेट पे जो प्राइस बोलते हैं उस पे अटके नहीं रहता। फाद भाई कैसा ना, जब शौक करते हैं ना रेट मायने नहीं रखता है। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ क्वालिटी। और एक बार शवाई के बकरे देख लो तो कोई बकरे नहीं, 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 नहीं समझ में आएगा। चलिए अपने शॉप पे जाते हैं और फीड का प्राइस देखते क्या है। ठीक है, चलिए हमारी बिल्डिंग का टेंट देखने के बाद हम आ गए हैं शफीक भाई के साथ उनकी शॉप पे। जैसे कि हमने इससे पहले कहा कि हमारी बिल्डिंग में भी जो बकरे आए हैं कुर्बानी के, उनके लिए अनाज भी यहीं से आएगा बिकॉज नजदीक है, नजदीक पड़ता है। ठीक है, अभी MS एग्रो फीड एंड IS एग्रो फीड, राइट जी फाद भाई? योर्स इज व्हाट? IS एग्रो फीड जी। ठीक है, आप रेट अपने बताओगे कि अपने भाई का बताओगे कि दोनों का सेम है? नहीं नहीं, रेट थोड़ा बताना मुश्किल रहेगा, क्योंकि कैसा ना अभी जो हिसाब से दिन बचे है ना फाद भाई, तो मोस्टली लोग 5 किलो 10 किलो, तो उसमें अगर हम लोग किसी को 5 किलो का रेट भी देते हैं तो कोई 1 किलो वाला आता तो वो भी बार बार फिर परेशान करके वो 5 किलो का रेट मांगता है, तो उसमें ना कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ जाती है और टाइम एडजस्ट नहीं हो पाता, तो इसलिए रेट थोड़ा डिस्क्लोज करना मुश्किल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे पता है, लेट्स टॉक द रिटेल कस्टमर्स अभी, क्योंकि नेक्स्ट 15 दिन जो है, नेक्स्ट 15 दिन जो है सब रिटेल वाले ही लेंगे, क्योंकि लोग घर पे बकरे पाल रहे हैं। हाँ हाँ, तो अच्छी से अच्छी चीजें देना चाहेंगे एंड वो लोग नहीं चाहेंगे कि बकरे का वजन टूट जाए फार्म से आने के बाद, तो क्या क्या चीज उनको देना पड़ेगा वो आप बताओ। जरूरी चीज बताना, ऐसे मत के सब ले लो। नहीं 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 फादर, पहले कैसा है ना, तो कस्टमर का माइंडसेट होता है ना कि बकरा अगर मैं लाया हूँ, मैं उसको खिलाऊंगा तो उसका वजन शायद बढ़ेगा, तो पॉसिबिलिटी से वो ना के बराबर है कि वजन तो नहीं बढ़ेगा, वजन टूटेगा इनफैक्ट। एक्चुअली जो वजन आया है मतलब वो भी नहीं रहेगा, उसमें 1 या 2 किलो टूटने ही वाला है, तो कोई ये उम्मीद रखे ना खिलाए कि हम लोग खिलाए तो या तो स्टेबल रहेगा तो फिर बढ़ेगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। राइट राइट राइट। और कैसा ना, लोग अक्सर मैंने देखा हो बकरीद में ना फाद भाई, कि लोग मतलब एक शौक के हिसाब से खिलाते, वो उनका दिल है कि अच्छी चीज खिलाए, पर वो लोग इतने क्वांटिटी में खिलाते हैं ना बकरा लूज मोशन में आता है, बकरा बीमार पड़ जाता है, गैस बनता है, कई लोगों के बकरों के मोटिलिटी भी होती है। तो ये बताइए क्या क्या खिलाना चाहिए हमारे बकरे को? और नॉर्मली फाद भाई 1 या 2 दिन आप हरी पत्ती या भूसा चलाओ। आपके पास है रखा हुआ? हाँ है ना फाद भाई, ये हरी पत्ती है, ये नागौर का माल है। ओके, हाँ ये फिल्टर माल आएगा आपको। सो कितना देना चाहिए, कौन से टाइम पे देना चाहिए, सुबह से रात तक के बताओ, घर पे हमारे बकरे आए हैं तो बच्चों को क्या क्या खिलाना चाहिए? लेट्स स्टार्ट विद द मॉर्निंग।
मॉर्निंग में तो फात भाई आप पानी दो, पानी अंदर आप हो सके तो गुड़ डालो या फिर इसके अंदर फिर ये हिमालय बत्तीसा का पैकेट आता है। सो पानी के अंदर आप हिमालय बत्तीसा और थोड़ा आगे कीजिए, ये हिमालय बत्तीसा का पैकेट कितने लीटर पानी में मिलाने का? जैसे हम लोग सॉल्ट लेते हैं ना फात भाई खाने के अंदर, सेम वैसा इसका भी तरीका है, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में आपको डालना है। हाथ से डालोगे तो बकराना पानी पिएगा ना, अगर फीड में फीड भी नहीं खाएगा। ओके ओके। और हो सके ना तो पानी के अंदर में थोड़ा गुड़ डालो। गुड़ एक्चुअली क्या करता है ना फात भाई कि वेट थोड़ा खींचने की कोशिश करता है, डाइजेशन में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। ओके, तो गुड़ वाला पानी दो या हिमालय बतीसा वाला? दोनों दोनों डालो पानी, दोनों डालो। हाँ ठीक है, उसके अलावा क्या देना है पानी के बाद? फिर उसके बाद जैसे पानी देखो जाएगा, आप एक या डेढ़ घंटा रेस्ट देके हरी पत्ती चलाओ। हरी पत्ती क्या रेट है हरी पत्ती का बताओ? फात भाई रिटेल में तो रेट नहीं बता सकते, कोई आधा किलो मैं ये मेरा पाँच नहीं नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं, आपकी बात सही है पर ये 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है कि लोग आधा किलो भी मांग रहे हैं। अब मेरे को एक आप तो आपका रेट बहुत है क्या, आप घबरा रहे हो बताने के लिए? नहीं बात रेट की नहीं फात भाई, साल भर रेट बताते अभी क्यों नहीं बताएगा? बस प्रॉब्लम ये होता है ना फात भाई कि सब न्यू कमर्स आते हैं, न्यू कमर्स जैसे मतलब जो बकरा लेके आ गया घर पे तो वो लोग आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं ना फात भाई, वो लोग एक गोनी का रेट मांगते हैं। अब अगर आप उसको कन्विंस करने जाओगे ना वो नहीं मानेंगे, तो उनको आधा किलो देने के चक्कर में अगर मैं कोई गोनी वाला कस्टमर आता है तो मैं उसको दूंगा तो मेरा प्रॉफिट उसमें। कोई बात नहीं, तो रिटेल का प्राइस नहीं बता रहे हरी पत्ती, लेकिन आप ले लो। कितना डालना चाहिए दिन में हरी पत्ती एक बड़े 100 किलो के बकरे को? पत्ती तो फाद भाई बकरा मुश्किल से मुश्किल 1 किलो खा लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। दिन में 1 किलो पकड़ लो, 750 ग्राम या 1 किलो? हाँ 750 ग्राम या 1 किलो पकड़ लो। उसके अलावा क्या देना चाहिए? उसके अलावा तुअर भूसा डाल सकते हो। बताओ क्या है, हाथ पे पकड़ के बताओ थोड़ा आगे। तुअर भूसा है, ये है हमारा तुअर भूसा जी फाद भाई। ये कभी डालना है? ये हरी पत्ती के जस्ट बाद में डाल सकते हो, मतलब 1 या 2 घंटा रेस्ट देके उसके बाद डाल सकते हो तुअर भूसा। ये फाइबर का काम करेगा तुम्हारा। ओके ओके। और जब तुम्हारा टाइम पूरा हो जाए, शाम का टाइम जब आता है तो एक बार फिर से पानी दिखा दो, और पानी दिखाने के 1 या 1.5 घंटे बाद में आपको अनाज डालना है। अगर आपको अनाज में नहीं समझ रहा है क्या देना है क्या नहीं देना है तो आप हमारा मिक्स फीड है, ये मिक्स फीड दे सकते हो। ये आप हार्डली आधा किलो भी दे दोगे ना एक 50 या 60 किलो के बकरे को एक टाइम में तो भी चलेगा। और कोई 100 किलो का बकरा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको दिन में 2 बार दो। ओके। यानी सुबह आधा किलो, शाम को अनाज जो है वो रात को देना चाहिए। हाँ मतलब जहाँ तक मेरा तो ये है कि रात को और शाम को देना है हमें अनाज। हाँ अनाज में क्या देना है, मक्की चना क्या देना है? फात भाई अनाज में सब अलग अलग देने से अच्छा है कि आप मिक्स फीड यूज करो। मिक्स फीड? हाँ ये मिक्स फीड है, MS एग्रो का वेट गेनर जिसको हम लोग बोलते हैं। और आगे लाओ तो ये क्या करता है ना फात भाई कि आपके बकरों का जो वेट है ना वो बूस्ट करेगा। नीचे करो, हाँ ये है मिक्स फीड। इसमें क्या क्या चीज़ है आप बताओगे? इसके अंदर फात भाई आपको सोयाबीन आएगा, जौ आएगा, चना आएगा, मक्का टुकड़ा है, घेहूँ है, घोड़ा जीरा है, जवारी है, बाजरी है, ऑलमोस्ट सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाएगी इसके अंदर। आपको डाइजेशन पाउडर, कैल्शियम है ना सब आ जाएगा। ओके ओके। इन शॉर्ट ये वन स्टॉप सॉल्यूशन आ जाएगा आपके बकरों के लिए। चना वना सब है इसके अंदर जी। सब लेने से अच्छा आप जो है वो एक चीज ले लो, कितने की आएगी कुछ आप बताओगे? फात भाई इसकी 1400 की MRP है, ये जो भी रहेगा डिस्काउंट करके हम आपको दे देंगे। 1400 रुपए MRP है। कितने किलो के बैग की? 20 kg की बैग आएगी फात भाई, ये बैग है 20 किलो का बैग। हाँ तो दिन में कितना खा लेगा एक बड़ा बकरा 100 किलो का? 100 किलो बकरा फात भाई ऑलमोस्ट दिन में 1 से 1.25 किलो खा सकता है, बट उसको दिन में 2 बार दो, मतलब एक बार में इतना मत दो। जैसे अगर 1 किलो खाता है सुबह उसको आधा किलो, तो शाम में आधा किलो दे दो, ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ओके ओके। तो सुबह गुड़ वाला और हिमालय बत्तीसा का पानी पिलाओ, हरी पत्ती बाद रखे आप रेस्ट, हरी पत्ती दो, तुअर दो, और रात में जो है अनाज दे दो, अनाज दे दो, ठीक है वो अच्छा रहेगा। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ट्रीट है बकरों के लिए? उसके अलावा फिर आप फात भाई सप्लीमेंट्स पे जा सकते हो, और जिसको आइडिया है फिर वो ग्रेन्स अपने हिसाब से खिला सकता है। जैसे उसके अंदर सोयाबीन आता है, ये सोयाबीन है। ओके अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है फीड का तो ये मतलब ये भी यूज कर सकते हो। उसके बाद चना है, मक्का है, घोड़ा जीरा है। गोला जीरा डालते हैं, डाल सकते हैं हम लोग बकरों को? फात भाई ये जो घोड़ा जीरा है ना इसका ट्रेंड गुजरात वालों ने लाया है, ये सबसे बेस्ट चीज है फीड के अंदर। इसमें क्या होता है ना फात भाई की शाइनिंग आती है, ऑयल कंटेंट अच्छा है, बकरा वेट गेन भी करता है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, तो बहुत बेस्ट चीज है ये। ओके ओके। कितने का आएगा ये घोड़ा जीरा फात भाई? नहीं बोल सकते फात भाई। ओके ठीक है, तो बेसिकली प्राइस आप नहीं बता रहे हो? हाँ एक्चुअली मतलब प्राइस बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं फादर, पर कैसा ना क्वांटिटी उतनी नहीं जाएगी लास्ट के दिन। तो जिस किसी को भी ऑर्डर करना है कहाँ से ऑर्डर कर सकता है? फादर कुर्ला में भी हमारी दुकान है, जोगेश्वरी में भी। कौन सा नंबर डालो इसमें? इसमें कुर्ला का डाल दो, कुर्ला की जो वीडियो रही वो अलग से बन जाएगी। ठीक है, कुर्ला का नंबर डाल देता हूँ। अगर आपके कुर्ला में बकरे हैं आप कुर्ला में कॉल करो, जोगेश्वरी या वेस्टर्न सबब में जो है यहाँ पे अंधेरी से बोरीवली, तो आप इनके भाई से ले लो, ठीक है कन्वीनियंट होगा, डिलीवरी चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा, राइट?
सेम डे डिलीवर हो जाएगा, आप डिलीवर करवा सकते हो बिल्डिंग सेम डे हो जाएगा, ठीक है, बहुत तीन घंटे में हो जाएगा। ओके, अभी प्राइस बताओगे दूसरे नॉर्मल कस्टमर्स के लिए क्या, उसमें भी नहीं बताना है? नहीं फाद भाई, क्वांटिटी मतलब बोल रहा वही ना फाद भाई, लास्ट के कुछ दिन बचे थे, इसमें ना लोग बोनी कोई भी नहीं खरीदेगा। सो बेसिकली इन्होंने बोला है कि अगर आप घर पे बकरा पाल रहे हो तो पहले आप हिमालय 32 का पैकेट ले लो, गुड़ ले लो, पानी में मिला लो, उसके बाद जो है आप ये हरी पत्ती दो, हरी पत्ती के अलावा इन्होंने बोला है कि भाई तुअर भूसा दो और मिक्स फीड। तो बेसिकली जो तीन चीज रखी है ना ये बहुत जरूरी है इन्होंने बोला। सो ये तीन चीज आप ऑर्डर कीजिए अपने बकरों के लिए, घर पे पालिए और आपका बकरा इंशाल्लाह वेट नहीं तोड़ेगा। इसके अलावा यू नो बकरों के लिए सॉल्ट और जो मिनरल लिक्स है वो भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फार्म वाले लगा के रखते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी है, आपको ब्रिक्स वगैरह मिलेंगे, सॉल्ट ब्रिक्स, मिनरल ब्रिक्स, क्या है बताओ आप जरा फाद भाई? ये ब्लैक सॉल्ट है, ये डाइजेशन के लिए या फिर अपना काला नमक के लिए बोलते हैं, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसको लटकाने का बहुत इसी तरीका फाद भाई, बीच में एक होल है, इसी तरह रस्सी या तार जो भी आपको मारना है वो मार के आप लगा सकते हो। ओके, ये बीच में होल जो है उस पे आप मार दो रस्सी, हाँ, और टंगा दो अपने बाड़े में, एक एक तो आराम से 100 बकरे खा सकते हैं। नहीं फाद भाई इतना, अभी मैं बोलूंगा बकरी तड़े में इतना भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। तो कितना कितना चलेगा? एक टंगा दो दो चार बकरे सुंदर एडजस्ट कर लेंगे, 10 दिन चल जाएगा ना? हाँ निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा। तो तीन चार लगा दो भाई आपके बिल्डिंग में, हाँ, कोने कोने में आप लगा सकते हो, कोने कोने में लगा, साइड साइड में ये बकरा खुद खा, इसमें क्या कैल्शियम भी आता है। अच्छा, बहुत से लोग हैं ना अपने बिल्डिंग वाले को, ये बच्चे लोग को आदत है ये पेड़ पे चढ़ रहे तोड़ रहे पत्ते, जामुन के पत्ते, कब्रिस्तान चले गए पत्ते तोड़ने, आपके पत्ते हम लोगों ने भी किया था, है ना? तो आप उन क्या 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 पत्ते खिला सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ पत्ते रखे हैं। हाँ, ये बरसीन रखी हुई है, एक्चुअली जोगेश्वरी में मिलेगी, कुरला में नहीं है फिलहाल में। हाँ, और उसके अलावा आप हो सके तो बड़ के या गुलर के पत्ते आते हैं, पर वो नहीं मिलते फात भाई, जोगेश्वर में तो नहीं मिलते। ओके ओके, ये खिला सकते हैं बरसीन? हाँ ये खिला सकते हैं फात भाई, इसमें वाटर कंटेंट काफी अच्छा है, मतलब मैं समझता हूँ 70-75% वाटर कंटेंट है इसके अंदर। ठीक है ठीक है, तो भाई आप लोग ऑर्डर कीजिए, नंबर मैं स्क्रीन पर दे देता हूँ, इनका प्राइस मुनासिब रहेगा, इससे दैट ही इज नॉट डिस्क्लोजिंग द प्राइस, क्योंकि साल भर ये बेचते हैं। हाँ, हमारा होलसेल है, ठीक है, होलसेल का काम प्राइस अलग होता है, लेकिन आप जो 10 दिन के लिए लोगे वो रिटेल लोगे। हाँ, मतलब एक या दो किलो, वैसे हम लोग इंटरटेन नहीं करते, पर अभी फिलहाल जो टाइम है वो टाइम पे देना। क्या नहीं करते आप? मतलब कोई साल अच्छा, अगर आता आधा किलो एक किलो तो उनको इतना ज्यादा फोकस नहीं करते। ओके ठीक है, क्योंकि काम बड़ा रहता है। ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।